अब एकादशी को लेकर ये जो भ्रम की स्थिति है ये क्यों है, प्रायः हो जाती है, उसका कारण यह है कि अलग अलग परंपराएं हैं, स्रोत स्मार्त अथवा स्मार्त और वैष्णव। तो सन्यासियों की स्मार्तों की एकादशी प्रायः एक दिन पहले हो जाती है और वैष्णवों की एकादशी अगले दिन होती है। अब इसमें थोड़ा सा सोचने का विषय यह है कि ये कैसे पता चले कि हम स्मार्त हैं कि हम वैष्णव हैं, ये निर्णय कैसे करें व्यक्ति, क्योंकि जन सामान्य के लिए यह निर्णय कर पाना बड़ा कठिन है कि हम स्मार्त में आते हैं या वैष्णव में आते हैं। तो कौन स्मार्त है कौन वैष्णव है समयलाल जी? हमारे याज्ञवल्क प्रवृत्ति जिन महर्षियों ने अनुसंधान पूर्वक मानव कल्याण की बातों को जिन स्मृतियों में लिखा, उन स्मृतियों के अनुसार जीवन यापन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्मार्त कहलाता है। स्मृति ग्रंथों के आधार पर चलने वाले जो लोग हैं वो स्मार्त कहलाते हैं। उन स्मार्तों में जिन्होंने वैष्णव दीक्षा ले रखी है, श्री रामकृष्ण का मंत्र ले रखा है, नारायण का मंत्र ले रखा है, जिनकी गुरु परंपरा में वैष्णव दीक्षा दी जाती है और वैष्णवी मंत्र जिन्होंने ग्रहण किया है वो सब वैष्णव कहलाते हैं, चाहे गृहस्थ हो चाहे व्रक्त हो। तो जिन लोगों ने गुरु मंत्र गुरु दीक्षा में राम मंत्र कृष्ण मंत्र नारायण मंत्र गोपाल मंत्र या भगवान के 24 अवतारों में से कोई अन्य अवतार का कोई मंत्र वैष्णव मंत्र जिन्होंने लिया है वो सब वैष्णव कहलाएंगे। उनके इतर जो जन हैं अन्य लोग हैं वो सब स्मार्त कहलाएंगे, लेकिन उसमें भी जो स्मृतियों का पालन करके स्मृतियों के अनुसार चलते हैं। सैभ्य वो जो शिव जी की आराधना करते हैं वो सैभ्य कहलाते हैं। तो वो पांच अलग हैं, गाणपत्य शौर्य शाक्य वैष्णव और सैभ्य, ये पांच हैं, पांचों देवताओं के उपासक। गणेश जी के भक्त जो है वो गाणपत्य कहलाते हैं, सूर्य नारायण के उपासक जो है वो शौर्य कहलाते हैं, देवी के उपासक जो है वो शाक्य कहलाते हैं, शिव जी के उपासक सैभ्य कहलाते हैं और विष्णु भगवान रामकृष्ण के उपासक जो है वो वैष्णव कहलाते हैं। तो अब एकादशी की चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं, आज की एकादशी में जो लोगों में दुविधा उत्पन्न हुई या भ्रम बना उसका कारण मुख्य क्या हुआ कि आज का जो सूर्योदय हुआ है वो एकादशी में हुआ है। तो प्रायः लोग उदयातिथि ग्रहण करते हैं तो सूर्योदय के हिसाब से तो आज एकादशी है, और कल का जो सूर्योदय होगा वो द्वादशी में होगा, कल सवेरा एकादशी में नहीं होगा। रात को 1:37 पर हमारे मथुरा वृंदावन के सूर्योदय के अनुसार 1:37 पर आज रात्रि में एकादशी पूर्ण हो जाएगी। फिर भी वैष्णव कल व्रत करेंगे क्यों? उसका रीजन ये है, उसका कारण ये है कि दसवीं जहां रात्रि में 1:30 से अधिक चली जाती है तो उस दिन के सवेरे वाली एकादशी को वैष्णव ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो ब्रह्म वेला लगने लगती है, तीसरा याम रात्रि का लगने लग जाता है और रात्रि के दोपहर के बाद तीसरे पहर में जहां एकादशी चली गई, समझ पा रहे हैं आप हमारी भाषा को? तीन याम, याम माने होता है याम, समझते हैं आप लोग? पहर, पहर सामान्य भाषा में, एक पहर दो पहर तीन पहर, याम माने होता है पहर। तो 3 घंटे का एक पहर होता है। अब जहां दोपहर रात्रि से ज्यादा अधिक माने तीसरे पहर के उत्तरार्ध तक दसवीं चली जाए तो वहां एकादशी सवेरे नहीं मानी जाएगी, वो दसवीं वेद्या मान ली जाएगी। तो इसलिए वैष्णव लोग जो है उसके अगले दिन एकादशी करते हैं, भले ही उस दिन एकादशी बिल्कुल भी ना हो लेकिन उसमें दसवीं का वेद ना मान हो, दसवीं वेद्या नहीं करते, इसलिए अगले दिन व्रत करते हैं। तो हम लोग वैष्णव जन कल एकादशी करेंगे, हमारे यहाँ स्थान में भी कल एकादशी होगी, मलुकपीठ में और अनेक स्थानों में कल एकादशी मनाई जाएगी, बहुत लोगों ने आज भी रखी है।
आज रखो, कल रखो, जब भी रखो, निष्ठा रखो, भाव रखो, श्रद्धा से भगवान का भजन करो, भगवान कृपा करेंगे।